तो क्या हाल चाल है आपका? आई होप गेम बढ़िया ही होगा। तो ये है द टॉप 10 PS2 गेम्स इन हिंदी का पार्ट 3, और इसमें कुछ स्पेशल है क्योंकि इसकी लिस्ट मैंने नहीं बनाई, मेरे एक व्यूअर ने बनाई है जिसने कमेंट किया था नीचे। उनका नाम है डिस्गाइज्ड बॉय, उनकी ये लिस्ट है, उन्होंने नीचे लिस्ट डालती थी कमेंट्स में, तो मेरे को लगा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे व्यूअर डिस्गाइज्ड बॉय के हिसाब से उन्होंने मेरे को 1 to 10 रैंकिंग दी, और उसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगा, मतलब 10 से लेके 1 तक मैं उसको करूँगा। डिसेंडिंग ही कहते हैं उसको मेरे ख्याल से। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 पे जो उन्होंने मेरे को गेम बताई है वो है मेडल ऑफ हॉनर वैनगार्ड, जो एक वर्ल्ड वॉर टाइम की FPS शूटिंग गेम है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। और जब ये गेम मैं खेलता था ना PS2 में, तो ना गूस बम्स आते थे मेरे को, वो कट सीन्स देखे जो ब्लैक एंड वाइट में होते थे, मतलब मज़ा आता था खेलने पे, रियलिज्म था इस गेम पे। नंबर 9 पे जो गेम है वो है स्पाई हंटर कुछ, और उन्होंने मेरे को स्पेसिफाई ही नहीं किया कौन सी स्पाई हंटर, 2-3 स्पाई हंटर आती है मेरे ख्याल से, पर मैं जो उन्होंने गेम स्पेसिफाई नहीं की वो मैं वो नहीं बताऊँगा जो मैंने एक्चुअली में खेली हुई है, ठीक है। तो मैंने जो उनसे खेली वो एक ना रेस काइंड ऑफ गेम है, चेक पॉइंट्स लेने होते हैं, ऑब्स्टेकल्स को पार करके ना चेक पॉइंट्स लेने होते, मैंने वो वाली स्पाई हंटर खेली है। एक और स्पाई हंटर आती है मेरे ख्याल से स्टोरी वाली, पर वो नहीं मैंने खेली, तो उसका मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। नंबर 8 में इन्होंने मेरे को बताई है हैरी पॉटर, अगेन इन्होंने मेरे को कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो फिर भी मैं जोन सी मैंने खेली मैं वो बताऊँगा, हैरी पॉटर एंड द चेंबर। हैरी पॉटर का तो यार कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जादू टोना, वो लंबी सी छड़ी हैरी पॉटर की, और छोटे बच्चों के लिए डरावनी, तो हाँ सब कुछ है इस गेम पर, तो उसको कुछ खास इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हैरी पॉटर है। नंबर 7 पे आती है मैट्रिक्स पैथ ऑफ नियो, जो एक ओपन वर्ल्ड फाइटिंग गेम है, और ये मैं उस टाइम पे इसलिए खेलता था क्योंकि मेरे को ना इस गेम को खेल के याद आती थी गॉड हैंड गेम की। गॉड हैंड मेरा पता नहीं पुरानी PS2 की वीडियो में मैंने डाली थी गॉड हैंड, तो ये मेरे को उसकी याद आती थी खेलते खेलते, इसलिए मैं इसको खेलता रहता था। नंबर 6 में जो इन्होंने मेरे को गेम बताई वो गॉड ऑफ वॉर 1 और 2, जो मैंने मेरे ख्याल से अपने पार्ट 1 में दिखाई हुई है गेम्स ये दोनों, और ये गेम्स सच्ची में दोनों टॉप नॉन्च की गेम्स हैं, आप जो सी मर्जी खेलो आपको मज़ा आएगा खेल के ये गेम। नंबर 5 में इन्होंने मेरे को गेम बताई इंडियाना जोन्स से इन्होंने स्पेसिफाई ही नहीं किया कौन सी, तो फिर भी जो सी मैंने खेली मैं वो बताऊँगा, इंडियाना जोन्स द स्टाफ ऑफ किंग्स, ये मैंने खेली है, एडवेंचर स्टोरी बेस्ड गेम है, वेस्ट साइड माउंटेन साइड की गेम है, वेस्टर्न साइड्स की गेम है, एडवेंचर स्टोरी बेस्ड गेम है, जो मेरे को खेलने पे मज़ा आया था। नंबर 4 पे है जेट ली राइस ऑफ ऑनर, दो ऑनर नाम की गेम्स, ठीक है। ये है हांगकॉन्ग बेस्ड एडवेंचर गेम, ओपन वर्ल्ड एडवेंचर गेम है, चेस करना होता है मेरे ख्याल से इसमें, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा नहीं खेली पर जितना खेला एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था इस गेम के साथ। नंबर 3 में इन्होंने जो गेम बताई थी वो है जेम्स बॉन्ड क्वांटम ऑफ सोलेस, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फिर जो भी है समझ लो, और इस गेम तो उसकी एकदम अच्छी है, जेम्स बॉन्ड की हर गेम अच्छी होती है, पर इससे अच्छा ना मेरे को उसकी मूवी अच्छी लगी थी क्वांटम ऑफ सोलेस की, उस टाइम पे ना मेमोरी कार्ड आते थे ना बड़े वाले, उस पर मैं भरवाता था बाजार से, और उसमें फिर देखता था मूवी में, तो मूवी ज़्यादा अच्छी लगी गेम से, मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो नंबर 2 पे जिन्होंने गेम बताई थी वो है टॉम क्लेंसी की स्प्लिंटर डबल एजेंट, ये मैंने गेम बहुत बार खेली है सच्ची में, ये TPP मतलब थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है, जैसी सभी टॉम क्लेंसी की गेम्स होती है एकदम टॉप नॉन्च, ये भी एकदम टॉप नॉन्च है। और नंबर 1 पे जो गेम है उससे मैं भी सहमत करता हूँ कि ये नंबर 1 पे है, वो है हिटमैन ब्लड मनी, हिटमैन एजेंट 47 सीरियल किलर एजेंट होता है, असैसिनेट करना होता है सबको पीछे से, तो हाँ ये भी अच्छी गेम, और ये मैंने पहले लैपटॉप पे खेली थी PS2 में नहीं, पर हाँ गेम PS2 में भी रिजेंबल होती है, और ये मेरे को वन ऑफ द फेवरेट हिटमैन गेम में से एक है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है डिस्गाइज्ड बॉय की लिस्ट और हमारी आज की वीडियो। अगर आपकी भी कोई ऐसी लिस्ट है जो आप
चाहते हो कि फीचर हो वीडियो में, तो आप इस कमेंट सेक्शन में आप अपनी लिस्ट डाल देना और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और प्लीज़ ऑफेंड ना होना किसी भी यू नो रैंकिंग से, ऑफेंड मत हो जाना। अगर आपकी भी कोई रैंकिंग है तो वही तो मैं कह रहा हूँ, नीचे डाल देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। थोड़ा लेट से, 2 हफ्ते लेट हो जाता इस वीडियो से, पर हाँ बना दूँगा मैं। और माइक क्लैरिटी आना कैसे चाहिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आ, पिछले 2 वीडियोस में बहुत यू नो कमेंट्स आ रहे थे माइक क्लैरिटी इम्प्रूव करो, तो आप बताना कैसे चाहिए। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।